छत्तीसगढ़ फिल्म के सुपर एक्टर और डायरेक्टर मिलकर एक और धमाकेदार फिल्म राधे अंगूठा छाप बनाने की तैयारी में। इसके लिए उन्होंने फिल्म अदाकारियों की टीम तैयार कर ली है। जल्दी स्थान चयनित कर शूटिंग शुरू की जाएगी। हॉलीवुड क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके छत्तीसगढ़ी फिल्म के सुपरस्टार करण खान, निर्माता जेठू साहू और उनकी टीम मिलकर अगली फिल्म बनाने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है ये काफी लंबे समय से एक धमाकेदार फिल्म की तैयारी कर रहे हैं। अपनी अगली फिल्म राधे अंगूठा छाप बनाने जा रहे हैं। एक्टर करण खान ने अपने जीवन का परिचय देते हुए फिल्म की अन्य जानकारियां दी, जिसमें जानकारी मिली कि इन्होंने लैला अंगूठा छाप फिल्म बनाई थी जिसे जनता ने खूब सराहा था, जिसके मद्देनजर ये राधे अंगूठा छाप फिल्म बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण खान। छत्तीसगढ़ी फिल्में मेरी अब तक के लगभग 28-29 छत्तीसगढ़ी फिल्में रिलीज हो चुकी है। मैंने भोजपुरी फिल्म भी की है और मेरा ये सौभाग्य है कि बिलासपुर शहर में मैं अपनी इस अगली फिल्म राधे अंगूठा छाप की शूटिंग अगस्त माह से शुरू करने वाला हूं। जेठू साहू जो हैं इस फिल्म के हमारे निर्माता हैं। जेठू साहू जी की इसके पहले भी दूसरी फिल्में आ चुकी है, दीवाना छत्तीसगढ़िया। और राधे अंगूठा छाप हम जो फिल्म बना रहे हैं ये पूरी तरह से कमर्शियल फिल्म है और दर्शकों को, आज की जनरेशन को जो चीज की जरूरत होती है एक फिल्म में, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, ट्रेजेडी, फाइट, तमाम चीजों का समावेश है, पूरी मसाला फिल्म है। और मेरे उन दर्शकों को यह फिल्म जरूर पसंद आएगी जिन्हें लैला टिप टॉप छला अंगूठा छाप जिन लोगों ने पसंद किया था। तो हमारी इस फिल्म की बहुत जल्दी शूटिंग शुरू होने वाली है। मैं पिछले कई सालों से जो है फिल्में कर रहा हूँ, कुछ सालों से, और फिल्मों से पहले मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ था। मैंने बहुत सारे छत्तीसगढ़ी एल्बम भी किए हैं जिसमें बहुत सुपरहिट गाने रहे हैं। एक वक्त था जब लगातार छत्तीसगढ़ी एल्बम्स किया करता था, अभी फिल्में कर रहा हूँ पिछले काफी दिनों से। जो लोग इस मीडिया फिल्म लाइन में आना चाहते हैं उनके लिए मेरा बहुत सरल सा संदेश ये है कि सरल सा एक रास्ता है कि वो रंगमंच ज्वाइन करें, वो लगातार अपनी मंच के जरिए प्रस्तुतियां देते रहें, दर्शकों के बीच में आते रहें, चाहे वो एक्टर हो चाहे सिंगर हो, दर्शक से उसका जब लगातार संपर्क होता रहता है तो उसमें खुद ब खुद जो है वो सुधार आता जाता है। तो वो एक बढ़िया जरिया है। 100 से 150 के आसपास के कलाकार हैं इसमें संख्या में, और 80 से 90% के बीच आदरणीय जेठू साहू जी ने ये बात मुझसे कही हुई थी कि 80% जो है कलाकार बिलासपुर शहर के होने चाहिए। तो ये कहेंगे हम कि हम 80 से 90% कलाकार बिलासपुर शहर के ही रख रहे हैं और कुछ ही कलाकार जो हैं वो अन्य जगहों से, छत्तीसगढ़ के दूसरी जगहों से। जी, अभिनेत्री की अभी तलाश जारी है और अभिनेत्री को हमने कुछ एक लोगों से मुलाकात की है और कुछ लोगों से फोन पे बात चल रही है। बहुत जल्दी हम अभिनेत्री कौन है उसको भी अपने पब्लिक दर्शक के बीच में शो करेंगे। निर्माता ने बताया कि फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, अब बस जगह का चुनाव करना है क्योंकि फिल्म शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि पर फिल्माई जा रही है। फिल्म के लिए हीरोइन का चुनाव कर जिले के अलग अलग क्षेत्रों में शूटिंग की जाएगी। मेरा उद्देश्य है जो हमारे कलाकार जिनके अंदर कला है उनको मंच प्रदान करना। कला तो है, जब तक मंच नहीं मिले तो कैसे बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो उनके और फिल्मों में काम मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा। ये प्रयासरत हूँ मैं इसको लेकर। और ये फिल्म जो राधे अंगूठा छाप भैया की हमने फिल्म देखी थी, पिछली फिल्में अच्छे एक्टर तो है ही हैं और बहुत अच्छे साथ साथ इंसान भी हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, सबके साथ वैसी व्यवहार। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अभी तक के जो फिल्में किए रहे वो एक नए नए कलाकारों को मैंने मौका दिया था। इसमें भी बहुत सारे कलाकार हैं लेकिन एक बड़े, अब मतलब इनके हाथों में, करण भाई के हाथों में पूरी जो हमने डोर भी सौंप दिया है, डायरेक्टर भी यही है और एक्टर तो यही है। साथ ही साथ मैं बिलासपुर के सिने एसोसिएशन के जितने कलाकार जो साथ में हमारे जुड़े हैं उनको सबको मौका दिया जा रहा है। जैसे मोगरा फिल्म बन रही है उसकी हीरो है दीपक सोनी जी, दीवाना छत्तीसगढ़िया की हीरो है अपना केशव वैष्णव जी, और हमारे तीन चंद भोकुआ में जो अभी जो तीन जो एक्टर हैं उनको भी हमने इसमें ले रहे हैं। और साथ साथ भक्त माता कर्मा बहुत बड़ी फिल्म बन रही है हिंदी में, उसमें का जो एक्टर हैं गुलशन साहू जी उनको भी इस फिल्म में लिया जा रहा है। ऐसे करके पूरा 80-90% बिलासपुर से हैं।
मेरा उद्देश्य यही है कि उनको आगे काम मिलेगा और हम जो फिल्म बना रहे हैं साफ सुथरी, कोई भी अश्लीलता नहीं, फुहरता नहीं, दुर्वर्थी नहीं। आदमी 2-2.5 घंटे जब समय निकाल के अपने परिवार के साथ जब थिएटर में जाते हैं तो उनको लगे कि ये फिल्म के कहीं कहीं कहानी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा महसूस हो और रिलैक्स होकर बाहर निकले। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अंगूठा छाप, राधे अंगूठा छाप फिल्म मिली है और उसमें मैं सेकेंड लीड कर रहा हूँ। सेकेंड एक कैरेक्टर है इकबाल का, वो